सर कैसे हम बजाज फाइनेंस RBL बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, हमें बताइए। इस तरह के कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि भाई हमें ये बताओ कैसे हम बजाज फाइनेंस सुपर RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड है एक, उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आज मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कौन सा ये कार्ड है, क्या इसके बेनिफिट है, कैसे आप इसको बना सकते हैं। जी हाँ गाइज, बजाज फाइनेंस ने RBL बैंक के साथ में टाइप करने के बाद में अपना एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रखा है। वो क्रेडिट कार्ड कौन सा है मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाऊंगा, कैसे आप उसको बना सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस कार्ड को बनाने के लिए, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बने रहना गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूले, और हाँ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद गाइस आपको उस लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस पेज पर जहां पर आप अप्लाई करेंगे बजाज फाइनेंस का RBL बैंक क्रेडिट कार्ड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस कार्ड के बेनिफिट बताता हूँ पहले, उसके बाद आप इस कार्ड को अप्लाई करना, क्योंकि इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसको बना सकता है कौन नहीं बना सकता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो फिलहाल देखिए गाइस, मैं हूँ bajajfinserv.in पर, यानी यहाँ पर बजाज फिनसर्व की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हूँ, और RBL बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। दरअसल कार्ड तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बजाज फिनसर्व RBL बैंक क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अप्लाई ऑनलाइन का टैब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ओवरव्यू में अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं इस कार्ड को अप्लाई करने पर, वहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे कि एयरपोर्ट लॉज एक्सेस मिल सकता है, फ्री मूवी टिकट आपको मिलेगा यहाँ पर, बाय वन गेट वन फ्री, और गाइस इजी EMI का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, इमरजेंसी एडवांस कैश का आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल आप कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, ATM से आप डायरेक्टली पैसे निकाल सकते हैं, जो पैसे आप निकालेंगे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये बेनिफिट है, जबरदस्त वाला बेनिफिट देता है बजाज फाइनेंस आपको अगर आप बजाज फिनसर्व का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यानी RBL बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। 5% कैशबैक आपको मिलेगा इस कार्ड पर, ठीक है। और जो है यहाँ पर अगर आप करेंगे इसको केवल बजाज फिनसर्व पार्टनर स्टोर पर यूज, तब मिलेगा आपको 5% कैशबैक, ठीक है। और तो यहाँ पर बेनिफिट बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइस देखिए सिंपल सा काम है, यहाँ पर एक बात आपको बोलता है बजाज कि भाई आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, 21-17 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, और आपके पास रेगुलर मंथली सोर्स इनकम आनी चाहिए, आपका सिविल स्कोर कम से कम 720 होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 720 है तो आप एलिजिबल होते हैं इसके लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर ए क्रेडिट कार्ड यहाँ पर सारा ऑप्शन दे रखा है, सब कुछ बता रखा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में गाइज आपको यहाँ पर जो है फोटोग्राफ देनी होगी, गवर्नमेंट ID प्रूफ यानी कि आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना होगा, एड्रेस प्रूफ में कुल मिला के बात यह है गाइज, ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड वीडियो की वैसे आपको करनी होगी, कार्ड आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑफर आपको जो मिलेंगे यहाँ पर दिखा देंगे, ट्रैक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो गाइज सिंपल सा काम आपको करना है इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे जो पेज है गाइज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 4-in-1 क्रेडिट कार्ड है, यानी गाइज आपको एक कार्ड के अंदर 4 बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए 12x रिवॉर्ड्स ऑनलाइन स्पेंड करने पर अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 5x कैशबैक आपको EMI नेटवर्क डाउन पेमेंट में मिलेगा, यहाँ पर एनुअल सेविंग भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ अपना मोबाइल नंबर और जो है गेट OTP पे क्लिक करूंगा। जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करूंगा उसके बाद हमारे पास एक OTP आएगी, वो OTP मैं यहाँ पर डालनी होगी, और जैसे हम यहाँ पर OTP डालेंगे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है हमें OTP डालने के बाद देखते हैं आगे के स्टेप कैसे कंप्लीट करने हैं। जैसे ही आप OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद जो पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिल करना है जिसमें आपको चूज करना है जेंडर, आप मेल फीमेल जो भी है, आपका फुल नाम यहाँ पर डालना है, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका करेंट एड्रेस, एरिया पिन कोड, ईमेल आईडी, और लास्ट में आपको यहाँ पर चूज करना है आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड करना है। उसके बाद गाइज अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर करेगा, वरना ये कैंसिल कर देगा, क्योंकि गाइज RBL बैंक का ये जो क्रेडिट कार्ड है ये केवल कुछ सिटी के अंदर ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज मैंने यहाँ पर सारी डिटेल कंप्लीट फिल कर दिया, मैं यहाँ पर करता हूँ डिटेल फिल, आगे बढ़ता हूँ, और जैसे ही प्रोसीड करूँगा, प्रोसीड करने के बाद अगर मैं एलिजिबल होऊंगा तो मुझे कार्ड के लिए ऑफर करेगा, नहीं तो ये मुझे कैंसिल कर देगा। तो फिलहाल तो गाइज मुझे यहाँ पर इन्होंने ऑफर नहीं किया, मुझे बोल दिया कि भाई आप एलिजिबल नहीं है इस कार्ड के लिए। तो गाइज मुझे यहाँ पर ऑफर नहीं मिला, ऑफर मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि RBL बैंक मेरी सिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर मेरी सिटी के अंदर अवेलेबल होता तो हो सकता है मुझे कार्ड के लिए ऑफर कर देता। अगर आपको यहाँ पर मिला है कार्ड के लिए ऑफर, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, KYC करनी है अपने आधार कार्ड से, वीडियो KYC करनी है। जैसे आपकी वीडियो KYC करेंगे आपको कार्ड के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपको कार्ड के लिए अप्रूवल मिलेगा उसके 2-3 दिन बाद आपका कार्ड बनकर आपके घर पे आपको मिल जाएगा। इस तरीके से गाइज आप बजाज फाइनेंस RBL बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप बजाज फाइनेंस RBL बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले बस इतना ही गाइस।